फ्रेंड्स, आई एम सी ए विवेक निगम और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एसएफएम के प्रैक्टिस मैनुअल का एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप अपना प्रैक्टिस मैनुअल निकाल लीजिए और मैं भी क्वेश्चन आपको शो करता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन ये है, जेके एल लिमिटेड इंडियन कंपनी, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है जेके लिमिटेड जो है वो एक इंडियन कंपनी है, हैज एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर। जेके लिमिटेड एक कंपनी है, वो इंडिया की है और एक्सपोर्ट एक्सपोजर है, यानी ये कुछ एक्सपोर्ट कर रही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये कुछ एक्सपोर्ट कर रही है। आइए देखते हैं कि क्या एक्सपोर्ट कर रही है। अरे ये तो दिया ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिया रहने दो। ऑफ रुपीज 10 लाख जेपी वाई रिसीवेबल अगेंस्ट 31 अगस्त 2014, ठीक है, जापानीज येन इज नॉट डायरेक्टली कोटेड अगेंस्ट इंडियन रुपीज। माने का जापानीज येन और इंडियन रुपीज में डायरेक्ट कोटेशन नहीं है उनका, यानी आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आपको क्रॉस रेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम डायग्राम अपना बना लेते हैं, ये जो है हमारा जापान का कस्टमर है, इसको एक इंडियन कंपनी ने गुड्स दिए होंगे और ये दे रहा है 10 लाख जेपीवाई, जो कि हमारी इंडियन कंपनी बाद में अपने बैंक को दे देगी 10 लाख जेपीवाई और इससे ये रिसीव कर लेगी फीस, ठीक है ना, ये बैंक को दे देगी। तो ठीक है, हमें तो पता है नॉन करेंसी जो होती है उसका रेट लेते हैं, नॉन करेंसी जेपीवाई है, यानी जेपीवाई को बेस में लेंगे, जेपीवाई का डिनोमिनेशन होगा, जेपीवाई का डायरेक्ट कोट लेंगे, ठीक है, दूसरी करेंसी रुपीज है तो हमें ये रेट चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है रुपीज और जेपीवाई डायरेक्टली नहीं दिए हुए, तो ठीक है हम कैसे निकाल लेंगे रुपीज, अब देख लेते हैं दूसरी करेंसी क्या है, तो जेपीवाई को यहाँ लिख देंगे बटे जेपीवाई, ठीक है, यही तरीका है। सेकेंड रुपीज के साथ दूसरी करेंसी कौन सी दी हुई है, आप क्वेश्चन में देखिए तो आपको दिखेगी डॉलर दी हुई है, ये देखिए, ठीक है, और जेपीवाई के साथ भी डॉलर दी हुई है, तो ये हुआ जेपीवाई का डॉलर, ठीक है, डॉलर डॉलर कट जाएगा। अब बस हमें रेट निकालना है, तो रुपीज पर डॉलर जो चाहिए था वो रेट ये दिया हुआ है, ये हमें चाहिए था डॉलर पर जेपीवाई, पर जेपीवाई दिया नहीं है, यानी कि मतलब जेपीवाई बेस में नहीं दिया हुआ है, जेपीवाई का डायरेक्ट कोट नहीं है, तो जेपीवाई का डायरेक्ट कोट बनाने के लिए ये कैसे बन जाएगा, 1/1024 करेंगे, तो ये कोट कहलाएगा अपना डॉलर पर जेपीवाई, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अब हमारे करंट रेट हम सब लिखते चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए करंट रेट हमारा आ गया 62.22, ठीक है, अपॉन 102.34, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, estimated that yen will depreciate to 124 and rupees will depreciate to 65, यानी estimated rate भी दे दिया है इसने, estimated rate हमारा क्या आ गया 65/124, ठीक है। आगे इसने forward rate भी दे दिया है friends, ये दिया question देखें तो forward rate भी दे दिया हुआ है अपने 66.50 110.35। अब आगे क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करो यदि हेजिंग नहीं कराते, ठीक है। हाउ द पोजीशन विल चेंज इफ द फर्म टेक्स फॉरवर्ड कवर, फॉरवर्ड कवर लेते तब क्या होता है बिल्कुल बताएंगे। स्पॉट रेट ऑन 31 अगस्त 2014 गिवन, एक्चुअल रेट ऑन 31 अगस्त, ये हमारे हैं 66.25 110.85। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन हो गया समझिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो मेन चीज थी, मैं आपको एक बार बता दूं, हमारे क्वेश्चन की मेन चीज यही निकालना थी जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैंने रेड कलर ऑफ कर लिया है। अब देखिए करंट रेट हमारा ये था, यानी कि हम कुछ ना कराए, हेजिंग वेजिंग नहीं कराए, अभी एट प्रेजेंट रेट हमारा ये चल रहा है, ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल पक्का है। आज यदि हम
जाएं, बैंक अपने बैंक को जेपीवाई दे दें तो हमको इस हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से मिल जाएगा, यानी इस रेट 10 मिलियन जेपीवाई कर लें तो जो भी मिल जाए वो हमें एक्चुअल मिल जाएगा। अब इसी चीज को यदि हम इससे कंपेयर कर लें तो एस्टिमेटेड रेट से कंपेयर कर लें तो हमारा गेन या लॉस आ जाएगा, इसी को फॉरवर्ड रेट से कवर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि फॉरवर्ड रेट और करंट रेट में क्या हमें फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, और इसी को यदि एक्चुअल से कर ले तो हमारा गेन या लॉस आ जाएगा, ठीक है, इसी को यदि हम एक्चुअल से कंपेयर कर ले तो हमारा गेन या लॉस आ जाएगा। फ्रेंड्स कंपेयर कैसे करेंगे, बस इनमें सब में इसको भी 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है, उनको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी डिफरेंस होगा वो आपका गेन या लॉस आ जाएगा। फ्रेंड्स तो मैंने जैसा कि बताया ये 10 मिलियन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में रियली में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा आपको एक फर्म थी उसको जेपीवाई मिलना थे, करंट रेट दिया हुआ था, एस्टिमेटेड रेट दिया हुआ था, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ था और एक्चुअल रेट जिस दिन वो मिलेगा वो दिया हुआ था, करंट रेट को आपको बेस में रख के सबसे कंपेयर कर लेना था फ्रेंड्स, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे काफी वीडियो ऐसे मैं लाने वाला हूँ। प्लीज लाइक द वीडियो टू। जय हिंद, वंदे मातरम, लगे रहो, सीखते रहो, जीतते रहो।